नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। यूपी के संभल जिले में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर जिलाधिकारी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने सड़क पर उतरकर ना सिर्फ डेंगू को लेकर हकीकत परखी है और बल्कि डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक भी किया है। डीएम की इस पहल की चारों ओर चर्चा हो रही है। आपको बताते चले कि इस समय डेंगू का जो प्रकोप है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी इलाकों में भी डेंगू के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अस्पताल पूरी तरह से डेंगू मरीजों से फूल गया है और वहीं अब तक कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ चुकी है। ऐसे में जनपद संभल के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने आप खुद मोर्चा संभाला है और जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बहजोई क्षेत्र में डोर टू डोर घर घर जाकर लोगों को डेंगू के प्रति बचाव के लिए जागरूक किया है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वो अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें तो वही पानी को कहीं भी इकट्ठा ना होने दे। बताते चले कि संभल जिले में स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं पूरी तरह से चौपट है और ऐसे में जिलाधिकारी मनीष बंसल के इस कदम की ना सिर्फ सराहना हो रही है बल्कि डीएम के द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को लोग हाथों हाथ ले भी रहे हैं। आज मेरे द्वारा ईओ बहजोई और जिला मलेरिया अधिकारी के साथ बहजोई नगर में कुछ क्षेत्रों का भ्रमण किया गया और डेंगू के संबंध में जो तैयारियां फील्ड स्तर पर की जा रही हैं उसकी समीक्षा की गई। यह देखा गया कि किस प्रकार से जहां जहां पर डेंगू के मरीज आए हैं क्या वहां पर प्रॉपर साफ सफाई और फॉगिंग की प्रक्रिया की जा रही है या नहीं की जा रही। साथ ही साथ वहां के परिवार के लोगों से और आसपास के लोगों से मिलकर उनको जागरूक किया गया कि वो अपने घरों के आसपास किसी पुराने गमले में, किसी कंटेनर में, किसी टायर में या किसी भी प्रकार के ऐसे पात्र में जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है अक्सर, उसको जरूर देख लें, उसमें पानी खाली करवा दें। मेरी उपस्थिति में वहां पर कंटेनर सर्वे भी किया गया और 3 जगह पर डेंगू मच्छर के लार्वा प्राप्त हुए। वहां पर स्थानीय लोगों को उसके बारे में जागरूक किया गया, उनको दिखाया गया और उनको इसके बारे में निर्देशित किया गया कि शीघ्र अतिशीघ्र अपने घर के आसपास इस चीज को जरूर चेक कर लें। और वहां पर उपस्थित हमारे चिकित्सा विभाग की और नगर पालिका की टीम को निर्देशित किया गया कि पूरे बहजोई में आज एक विशेष अभियान चलाकर कंटेनर सर्वे करें। मेरा हमारे सभी जनपद वासियों से भी विशेष रूप से अनुरोध है कि जहां जहां पर भी डेंगू के मरीज आ रहे हैं, जहां पर भी डेंगू आ रहा है, वहां पर जरूर लोग अपने घरों और अपने घरों के आसपास ये देख लें कि किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा कंटेनर हो, कोई गमला हो, कोई पुराना टायर हो, जहां पर फ्रेश वाटर यानी कि साफ पानी इकट्ठा होता हो उसको खाली कर लें, उसमें देख लें, अवश्य उसमें लार्वा पनपने की स्थिति हो सकती है और उससे आप और आपका परिवार जो है वो डेंगू के खतरे में आ जाएगा। अगर हम लोग अपने घरों पे साफ पानी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होने देंगे तो हम अपनी और अपने के पास रहने वाले सभी लोगों की रक्षा कर पाएंगे। और इसी खबर पर संभल से संवाददाता प्रदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप मिश्रा, कहर इतना बढ़ गया है डेंगू का कि डीएम खुद अब मोर्चा संभाल रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार डेंगू की शिकायतें मिल रही थी, डीएम को वापस आ रही थी, स्वास्थ्य विभाग जो लापरवाही बरत रहा है, ध्यान नहीं दे रहा, इसी को डीएम ने संज्ञान लिया। डीएम खुद सबको अपने घर घर जाकर घूमे, घर घर बैजू के अंदर घर घर जाकर लोगों से जानकारी की, जानकारी करने का उन्होंने ये जाना कि हकीकत क्या है। तो उन्होंने देखा कि कई टायरों में पानी भरा हुआ था, कई जगह गमलों में पानी भरा हुआ था, उन्होंने साफ सफाई के निर्देश भी दिए, साथ में नगर पालिका को और स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। उनके द्वारा भी लोगों को समझा बुझाकर समझाया गया कि जो है आप लोग साफ सफाई रखें, क्योंकि हमारे जिले में अब तक लगभग 2 मौतें हो चुकी है। 2 मौतों के बाद जिला प्रशासन भी जागा है, उसके बाद डीएम ने मोर्चा संभाला है। मोर्चा संभालने के बाद डीएम लगातार मतलब लोगों से संपर्क कर रहे हैं उसी दिन से कि जो है लोग साफ सफाई रखें, लोग गंदगी ना फैलाएं, हल्की भी खांसी जुकाम बुखार जो है होता है तुरंत स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में आए, चिकित्सकों को दिखाए, उसके बाद में जो है मतलब आएगी रूप पूरी। जी प्रदीप, जिस तरह से हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से मोर्चा उन्होंने संभाला है और इसके साथ ही कीटनाशक दवाइयों का भी इस्तेमाल किया गया, और वही लोगों में कितनी सावधानी देखने को मिल रही है डेंगू को लेकर।
नहीं उसका असर पड़ रहा है, लोग तारीफ कर रहे हैं डीएम के इस खाने की, कि लोग कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ था आप तक, यहाँ डीएम के जागने के बाद जब डीएम सड़कों पर निकले उसका स्वास्थ्य विभाग भी सड़कों पर आया, आप निकलकर स्वास्थ्य विभाग भी जगह जगह कैंप लगा रहा है, लोगों को समझा रहा है कि जो है जो भी अगर मरीज है कोई है तो तुरंत हमारे पास आए, दवाई लें हमसे, तुरंत हमसे ट्रीटमेंट कराएं, चेकअप कराएं, और नहीं हो सकता तो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाएं, लेकिन दिखाएं जरूर, मतलब लापरवाही न बरतें किसी भी सूरत में। प्रदीप जी, जिस तरह से अस्पतालों के अगर हालातों की बात कर ले तो अस्पतालों के क्या हालात दिख रहे हैं, बताया जा रहा है कि कई मरीजों की मौत भी हो गई है। जी आपको बता दूं, मैं अभी तक दो मौतों की पुष्टि मतलब हो रही है, दो मौतें हो चुकी है डेंगू से संभल जिले के अंदर, लेकिन लगातार जिस प्रकार से डेंगू अपना प्रकोप मतलब बढ़ रहा है संभल जिले के अंदर, उसी प्रकार से अस्पतालों का अगर बात करें हम तो अस्पतालों के अंदर बेड खाली नहीं है, आज की तारीख में लोग घरों में ही अपने इलाज करा रहे हैं कि अस्पतालों में बेड नहीं है, मतलब डीएम ने साफ कह दिया बेड बढ़ाए जाए, जिला जिला चिकित्सालय में बेड बढ़ाए गए हैं, 30 बेड और बढ़ाए गए हैं उसके अंदर भी, कि मतलब जो मरीजों पर परवाही ना हो। जी प्रदीप, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मरीजों को भी अब सावधान रहने की जरूरत है और कीटनाशक दवाइयों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके साथ ही लोग और क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं, क्योंकि डेंगू का कहर हर राज्य में देखने को मिल रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं कि डीएम साहब ने एक मीटिंग ली थी, संबल मनीष बंसल जो है उन्होंने एक मीटिंग ली थी तमाम विभागों की, मीटिंग लेने के बाद उन्होंने नगर पालिकाओं को साफ निर्देश दिए, स्वास्थ्य विभाग को साफ साफ निर्देश दिए गए कि आप लोग कहीं गंदगी ना होने, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, लगातार स्वास्थ्य विभाग गाँव में निरीक्षण करें, शहर में निरीक्षण करती रहे, अपने कैंप लगाती रहे, जिससे लोगों को कोई परवाही का सामना न करना पड़े, अगर कोई शिकायत कहीं से आती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के पीलीभीत जनपद में शहर के आसपास ही चौराहा स्थित कोरल मोटर के पीछे अपना दल एस के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया, और इस बैठक में ही अपना दल एस के अनुप्रिया पटेल को पुनर्निविरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसके चलते कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया है और साथ ही आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की है। बताते चले आपको कि अपना दल एस के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश अग्रवाल ने आज अपने कैंप कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे, और बताया जा रहा है कि हमारी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिल चुका है, और इसके अलावा अनुप्रिया पटेल को अपना दल एस का निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, और इसी को लेकर आज कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला, और इसके अलावा हमारी पार्टी आगामी नगर निकाय चुनाव में भी सक्रिय रूप से शामिल रहेंगे। आज का जो आयोजन किया गया, सबसे पहले कि हमारा पार्टी राष्ट्रीयकृत पार्टी हुई है और अनुप्रिया पटेल जी को पुनः जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया निर्विरोध, उसकी खुशी में कार्यकर्ता की बैठक में व्रत रहे, कार्यकर्ता खुशी मनाएंगे अपना। आज जो बैठक का आयोजन किया गया है, हमारी पार्टी अपना दल एस उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त पार्टी हुई है, तो इसी उपलक्ष में पार्टी मान्यता होने के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी फिर पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध हुई हैं, तो उसी खुशी में मिष्ठान वितरित किया जाएगा। यूपी के सीतापुर के नगर पालिका बिस्वा के मोहल्ला पटेल नगर में एक मामला सामने आया है। नगर पालिका बिस्वा के ही अधिवासी अधिकारी जेई नगर पालिका बिस्वा की ही मिली भगत से अपने निजी स्वार्थ के कारण जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और वहीं प्रॉपर्टी डीलर की निजी भूमि पर आरसीसी नाली और इसके साथ ही इंटरलॉकिंग रोड पर निर्माण नगर पालिका बिस्वा द्वारा कराया जा रहा है। नगर पालिका बिस्वा द्वारा जो टेंडर पास जो हुआ था, असंतोष
रस्तोगी के मकान में ही, मकान से आयुर्वेदिक अस्पताल तक जाने की ही इंटरलॉकिंग रोड तक आरसीसी नाली और इसके साथ ही इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण होना दर्शाया गया था, जिसकी चौड़ाई 20 फीट के पास है और जिसे ना बनाकर प्रॉपर्टी डीलर को फायदा पहुंचाने की नीयत से प्रॉपर्टी डीलर के प्लांट की तरफ निर्माण कराया जा रहा है। और इस संबंध में ही मोहल्ले वासियों द्वारा लिखित शिकायत की गई और वहीं इस संबंध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष परवीन सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं से ही साथ में मिलकर उनके आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और कहा है कि कई बार अपर जिला अधिकारी सीतापुर को दूरभाष के जरिए शिकायत दर्ज कराई थी और पूर्व ईओ नगर पालिका बिस्वा द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया था और एक सप्ताह में जांच कर जेई नगर पालिका दे, लेकिन जांच हुई ना ही कार्रवाई नहीं की गई है और जेई नगर पालिका बिस्वा ने निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि जेई नगर पालिका को ना अपने अधिकारियों का डर है और ना ही शासन प्रशासन को मानती है, जबकि नगर पालिका बिस्वा में कई मोहल्लों की सड़कें बेहद खराब है और उनका निर्माण ना कराकर प्रॉपर्टी डीलर के प्लांट पर निर्माण कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जिले से जाँच कराया जाए और निर्माण कार्य पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। बिस्वा नगर पालिका द्वारा वहां के ईओ और जेई द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसका टेंडर हो रहा है उस पर कार्य न कराकर बगैर टेंडर प्रॉपर्टी डीलर की मदद कर की जा रही, वहां उनके द्वारा भारी भरकम कमीशन लेकर उनका लाभ पहुंचाया जा रहा है। जब से ईओ नगर पालिका वर्तमान में आए हैं, इनके द्वारा केवल भ्रष्टाचार ही किया जा रहा है, कार्य कुछ भी नहीं कराया जा रहा है, जबकि टेंडर हुआ है उसका जो कार्य नहीं कर रहा है, कराया जा रहा है, तो अन्य कार्य कैसे हो रहा है ये तो वक्त ही बताएगा जब जांच होगा। अमेठी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अमेठी जनपद में चल रही अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर असलाह बना रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है और वही मौके से फरार हुआ। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में तमंचा बनाने का सामान और 11 अवैध असले को बरामद कर लिया है और मामले का खुलासा भी कर दिया है। अमेठी में अवैध असले निर्माण का बड़े पैमाने पर कारोबार चल रहा था और बताते चले आपको कि निकाय चुनाव में भारी मात्रा में अवैध असला खपाने की तैयारी की जा रही थी। अमेठी जनपद के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के दरपीपुर के ही खंडर मकान में यह अवैध फैक्ट्री चल रही थी। मुंशीगंज और एसओजी संदीप टीम का एक मुखबिर के द्वारा एक अवैध असला फैक्ट्री के बारे में सूचना मिली थी। इसमें पुलिस ने तुरंत टीम बनाकर चेकिंग किए थे। तरपीपुर से रामाफी जाने वाले रास्ते में एक जंगल में एक खंडहर मकान में एक आदमी और ये असला बनाते हुए पकड़ गए थे। इसमें एक और भी इन्वॉल्व था, वो वहाँ से फरार हो गया, उनको भी गिरफ्तारी करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये इन लोगों को कब्जे से 6 अदद अवैध शस्त्र, इसमें 5 है 315 बोर का है, 1 12 बोर का है और 5 आधा निर्माणित शस्त्र भी, 5 कारतूस भी बरामद किया है। उसके अलावा ये शस्त्र बनाते समय यूज होता है ये कई सामान भी, लोहे का सामान भी बरामद किया गया है। इस तरीके से अपराधियों पे शिकंजा कसने के लिए क्या अभियान है आपके पास, क्या ये अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला जा रहा है? इसमें जो भी असला बनाते हैं बेचते हैं सभी लोग के खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है। इन लोग का इसके आगे भी गैंगस्टर भी बनाया जा रहा है। 14-1 के अंदर प्रॉपर्टियों को भी कुर्की किया जा रहा है।
वहीं संभल पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने चोरी की 10 बाइकों के साथ वाहन चोर गैंग के 3 सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही से अवैध शस्त्र भी बरामद किए हैं। एएसपी ने घटना का खुलासा किया है। वाहन चोर गैंग के खुलासे का पूरा मामला सदर कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है, जहाँ पुलिस ने अभियान चलाकर 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने चोरों की निशानदेही पर चुराई गई 10 बाइक बरामद की है। वहीं पुलिस को वाहन चोरों के कब्जे से 3 तमंचे और कारतूस भी मिले हैं। और आपको बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक श्री चंद्र ने भी बताया है कि कोतवाली संभल पुलिस ने कबीर की सराय बुलबुली मस्जिद के पास चेकिंग के दौरान 3 आरोपियों कामिया अनीस और मोहम्मद समीर को गिरफ्तार कर इनकी निशानदेही से चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं 3 तमंचा, 315 बोर 5 जिंदा कारतूस और 315 बोर 1 चोरी हुआ दान पात्र और इसके साथ ही 1 चोरी हुई बैटरी को बरामद किया गया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए निशान न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस द्वारा कल शाम बुलबुली मस्जिद के पास वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान चेकिंग के दौरान 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इन वाहन चोरों के कब्जे से 10 अदद मोटरसाइकिलें चोरों की बरामद हुई हैं। इन्हीं व्यक्तियों के पास से 3 तमंचे, 315 बोर एवं मैक कार्टेज बरामद किए गए हैं। इन व्यक्तियों के नाम कामिल पुत्र नासिर निवासी कोतवाली संभल एवं अनीस पुत्र रईस निवासी चौधरी सराय कोतवाली संभल तथा मोहम्मद समीर पुत्र मोहम्मद सलीम निवासी चौधरी सराय कोतवाली संभल हैं। इन व्यक्तियों के अन्य साथियों की भी जाँच की जा रही है। जो भी इसमें संबंधित पाया जाएगा उनका कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पीलीभीत में डॉक्टर आस्था अग्रवाल ने निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया है और शहर के प्रमुख अस्पतालों के डॉक्टर मौजूद रहे हैं। बता दें शहर के ही सभी वार्डों में निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि लगातार 10 दिनों तक निशुल्क चिकित्सा शिविर की सुविधा जारी रहेगी। पहले दिन स्वास्थ्य शिविर का ही सैकड़ों पुरुष और महिलाओं ने लाभ उठाया है। भारी संख्या में पहुंचे लोगों की भारी भीड़ शहर के वार्ड नंबर 19 मौजूद काला मंदिर में देखने को मिली है। और इसी खबर पर पीलीभीत से संवाददाता प्रांजल गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रांजल, जिस तरह से शिविर लगाया गया है, बीमारियों से लोगों को कितनी राहत मिल पाएगी? जी, आपको बताना चाहेंगे सुमन जी, जिस तरीके से पीलीभीत शहर की अगर बात किया, पीलीभीत शहर में लगातार डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसको लेकर ये जो डॉक्टर हैं आस्था अग्रवाल, ये महिला चिकित्सक हैं, तो इन्होंने संयुक्त टीम डॉक्टरों की जो है बनाई और शहर के विभिन्न वार्डों में ये कैंप लगाने का इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसको चलते कल बीते दिन एक कैंप यहाँ पर हेल्थ कैंप जो है शुरुआत की गई है। पहला कैंप यहाँ पर लगाया गया है। पीलीभीत में 27 वार्ड है, तो ये सारे वार्डों में जो कैंप जो है लगाया जाएगा। ये कैंप जो है लगातार 10 दिनों तक जारी रहेगा। वहीं काफी संख्या में जो मरीज हैं वो यहाँ पर जुट रहे हैं और काफी सारे मरीज यहाँ पर आ रहे हैं, अपना हेल्थ चेकअप करा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को इसमें जो मरीज हैं उनको काफी राहत मिलेगी और फ्री चेकअप उनका होगा और सारी जो जांचें हैं, जो भी दवाइयां वगैरह हैं उनको उपलब्ध कराई जाएंगी। जी सही कह रहे हैं, जो डॉक्टर की तरफ से ये शिविर का जो आयोजन किया गया है बहुत ही सराहनीय है और लोगों को यहाँ पर फायदा होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इसके साथ ही जो भारी भीड़ देखने को मिली है वो भी यहाँ पर देख रही है, और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए डेंगू का कहर है तो उससे भी लोग कहीं ना कहीं घबराए हुए नजर आ रहे हैं। प्रांजल जी, जो डेंगू के जो मरीज है वो लगातार इजाफा हो रहा है, तो उसको देखते हुए ये पूरा जो हेल्थ शिविर है, डॉक्टरों की जो संयुक्त टीम है, इन्होंने विभिन्न शहर के विभिन्न अस्पतालों से जो है चिकित्सक इन्होंने लिए और उनकी संयुक्त टीम के साथ यहाँ पर जो है हेल्थ चेकअप हेल्थ कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, जिसमें सभी बीमारियों का यहाँ पर मुफ्त इलाज होगा, फ्री बच्चे बनेंगे, फ्री इलाज होगा, फ्री चेकअप होगा और कहीं ना कहीं मरीजों को काफी राहत मिलेगी और जिससे लोग काफी फायदा होगा। उन्होंने एक सलाह जो है दी है कि किस तरीके डेंगू से अपना बचाव करना है, डेंगू जिस तरह ना फैले उसके लिए क्या रख रखाव करने है, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी। बिल्कुल प्रांजल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए।
और इसी खबर पर हमारे साथ डॉक्टर आस्था अग्रवाल भी जुड़ चुकी हैं। आस्था अग्रवाल, बहुत ही सराहनीय कदम आपने उठाया है, लोगों की किस तरह से मदद कर रही? जी धन्यवाद बहुत बहुत। और हमें ऐसा लगता है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको शहर के लोगों की समस्याओं को समझना जरूरी है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि इस समय डेंगू की वजह से लोगों के घर घर में बुखार है, लोग परेशान हैं, और जो गरीब लोग होते हैं उनको 200 रुपए का पर्चा बनाना भी लगता है कि वो नहीं, हम अपने आप दवा कर ले, हमें डॉक्टर को ना दिखाना पड़े। हम सब समझ सकते हैं कि गरीब लोगों के लिए मेडिकल सेवाओं की कितनी जरूरत है, लेकिन पैसे के अभाव से वो नहीं कर पाते हैं। तो हम इस वजह से हमारी कोशिश ये है कि हम घर घर ये फ्री मेडिकल और डेंटल हेल्थ चेकअप कैंप पहुंचा पाए, ताकि स्पेशली जो महिलाएं हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, अपनी तकलीफ नहीं बोल पाती हैं, उन महिलाओं को मौका मिले, उनके घर के पास ही उनका फ्री में चेकअप हो पाए और उन्हें दवाइयां मिल पाए। जो छोटी छोटी रोजमर्रा की समस्याएं हैं, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, परेशानियां हैं, वो लोगों के बीच हम समझ पाए और उनको उसके अनुरूप इलाज भी दे पाए। जी डॉक्टर आस्था जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि डेंगू के मरीज ज्यादा बढ़ गए हैं, तो आपको किस तरह के मरीजों का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है? जी हमारे पास दो तरह के मरीज सबसे ज्यादा आ रहे हैं। एक तो जिनको हल्का सा बुखार है, क्योंकि आज की तारीख में अगर किसी भी व्यक्ति को बुखार हो रहा है तो उसको ये लग रहा है कि उसको कहीं डेंगू तो नहीं है। तो बुखार के पेशेंट्स, खांसी जुकाम के, क्योंकि मौसम में भी बदलाव हुआ है अब, उसके पेशेंट्स हमारे पास ज्यादा हैं। और महिलाएं जो घर में काम करती हैं, जो घर में रहती हैं, कमर दर्द की समस्या, बॉडी में वीकनेस की समस्या, इसके पेशेंट्स हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं। जी महिलाओं की समस्या आपके सामने ज्यादा आ रही है, और बताया ये भी जा रहा है कि ये शिविर जो है वो आप आगे भी कंटिन्यू करेंगी? जी हमारी कोशिश ये है कि अभी तो हम पीलीभीत, पूरे पीलीभीत के 27 वार्ड हैं, उन वार्ड को कवर करें, लोगों की समस्या जानने, फिर हम उसकी रूपरेखा ये तैयार करेंगे कि किन तरह की समस्या हमें ज्यादा मिली, और फिर हम इस तरह की मेडिकल सेवा किस रूप में और पेशेंट्स तक घर घर पहुंचा सकते हैं, उसकी भी रूपरेखा तैयार करके लोगों को सेवाएं प्रदान करेंगे। जी आस्था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप इसी तरह से सराहनीय कदम जो उठा रही हैं वो लोगों की मदद जरूर करते रहिए। धन्यवाद। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। संभल जिले के गांव में ही खेत में विशालकाय अजगर मिला है। अजगर मिलने के बाद हड़कंप मच गया, और गन्ने की छिपाई के दौरान ही खेत में अजगर दिखा है। अजगर का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पूरा मामला गुन्नौज थाना के गांव फरीदपुर का है, जहां ईख के खेत में गन्ना छीलने को किसान गए थे, और इस दौरान ही खेत में गन्ना छीलते वक्त किसानों को अजगर दिखा, और जिसके बाद किसानों में हड़कंप मच गया। लोग खेत से बाहर चले आए, और इस दौरान किसी ग्रामीण ने खेत में अजगर की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि खेत में अजगर देखने के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को अजगर की सूचना दी है। यूपी के जनपद संभल से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है, और जहां हत्या के मामले में कोर्ट की तारीख पर घर लौट रहे बाइक सवार को अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, और गोलीकांड की सूचना से ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मृतक बिजली विभाग में एसडीओ का ड्राइवर है। बताया जा रहा है कि मृतक जो है वह एसडीओ का ही ड्राइवर बताया जा रहा है। बता दें कि गोली मारकर हत्या का पूरा मामला नखासा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव के पास का है, जहां इसी थाना क्षेत्र के ही गांव अखियातपुर में ही तगा निवासी विनय कुमार की आज अज्ञात हमलावरों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी, जब वो हत्या के मामले में कोर्ट की तारीख पर बाइक से ही अपने घर लौट रहा था। बताते चले कि संभल बिजली घर के ही एसडीओ देहात के ड्राइवर विनय कुमार पर साल 2017 में हत्या के मामले में मुकदमा चल रहा है, और जिसकी तारीख कर वो देर शाम बाइक से अपने घर लौट रहा था, और उसी समय अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मार दी। गोलीकांड की सूचना पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, और वहीं परिजन भी सूचना पाकर मौके पर पहुंच गए, और सूचना मिलते ही थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, और खून से लथपथ विनय कुमार को सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।
एएसपी और सीओ ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया है और मृतक के भाई राजीव कुमार ने बताया है कि गांव के ही लोगों से पुराना विवाद चल रहा था जिसके तहत घटना को अंजाम दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक शीश चंद्र ने बताया है कि मृतक विनय कुमार की हत्या की सूचना मिली है और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। मृतक विनय कुमार पर साल 2017 में हत्या का एक मामला चल रहा है। फिलहाल पुरानी रंजिश का मामला सामने निकल कर आ रहा है और सभी तथ्यों पर गहना से जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी इस मामले में दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। विनय सनाफ प्रकाश निवासी ग्राम अख्तारपुर थाना नखासा की हत्या की सूचना थाना पर प्राप्त हुई है। इस सूचना पर तहरीर प्राप्त की जा रही है एवं तहरीर के आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जांच में यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि वर्ष 2017 में यह युवक एक व्यक्ति की हत्या में जेल गया था और 2017 में ही कुछ समय पश्चात यह जेल से वापस आया है। इस रंजिश के को भी दृष्टिगत रखते हुए जांच की जा रही है और हत्या के कारणों का वास्तविक रूप से पता लगते हुए हत्यारों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। घटना हम तो गांव से गांव में हमें किसी ने बताया जाके कि तुम्हारे भैया की बाइक ऐसे पड़ी है और वो इधर को एक साइड पड़े हैं। हम वहाँ पहुँचे, हमने जाके देखा तो ये खून में लगते हैं, हम इधर लेके हॉस्पिटल आ गए। यहाँ बताया कि इनकी गोली लगी हुई है। अच्छा, मृत बता दिएगा। अच्छा, गांव में रंजिश भी चल रही है? हाँ, रंजिश भी है। पुराने उसमें एक केस में जो है जमानत कर उसको आए थे तारीख करके आज। अच्छा, एकादुर त्यागी के मर्डर में पूरा मामला क्या था जिस मामले में आए हैं? यादव त्यागी के मर्डर में इसमें फंसा दिए गए थे कि कोर्ट की तारीख करके घर लौट रहे थे। कोर्ट की तारीख करके घर आ रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।